हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल जी एस स्टडी पॉइंट चलिए छत्तीसगढ़ की जोग्राफी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है छत्तीसगढ़ की जलवायु इससे पहले भी ऑलमोस्ट सारे जो छत्तीसगढ़ की जोग्राफी के वीडियो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट जाइएगा और वहाँ पर जो है आपको छत्तीसगढ़ स्पेशल करके प्ले मिलेगा जहाँ से आप इससे पहले के जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए समझते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु को देखिए जो जलवायु है वो बहुत लेंदी टॉपिक है ठीक है लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ के जलवायु को समझेंगे इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है हमें पता होना चाहिए तो इसके लिए चलिए थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं ताकि हमें जो है छत्तीसगढ़ की जब हम जलवायु को समझें तो वो चीजें हमें आसानी से समझ आ जाएगी देखिए ये है आपकी हमारी पृथ्वी ठीक है ये है पृथ्वी और यहाँ है सूर्य ठीक है पृथ्वी को चार रेखाओं में बांटा गया है ये आपको पता होगा पांच रेखाओं में सॉरी बीच में जो है इसको दो भागों में बांटती है जो है विश्ववत रेखा ठीक है विश्वत रेखा के उत्तर है कर्क रेखा ठीक है और दक्षिण में है क्या है मकर रेखा ठीक है और उत्तर कर्क रेखा के ऊपर है ये है अंटार्कटिक रेखा और ये है आर्कटिक रेखा तो इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है आप जो है इन इन तीन रेखाओं पे फोकस करिएगा ठीक है तो देखिए जब सूर्य जो है पृथ्वी जो है क्या होती है इस तरह से अपने एग्जिट पे जो है झुकी हुई है टिल्ड है ठीक है झुकी हुई है और ये जो है अपनी ही जगह पे क्या कर रही है रोटेट कर रही है इस तरह से जो है पृथ्वी है ठीक है और ये जो है यहाँ से इस तरह से झुकी हुई है और अपने ही एग्जिट पे जो है ये इस तरह से घूम रही है ठीक है जिसको हम जो है क्या कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं ठीक है और जब घूमती है तो एक टाइम आता है कि सूर्य की किरणें जो है हमेशा क्या रहती है जो भी रेखा है ठीक है तो रेखा की सीधी जो है सूर्य की किरणें पड़ती है और जब सूर्य की किरणें विश्वत रेखा पर सीधी पड़ती है तो विश्ववत रेखा पे जितने भी देश होंगे राज्य होंगे उन सारे पे क्या होगी गर्मी की स्थिति होगी बहुत गर्म प्रदेश होगा ठीक है अब हम यहाँ से बात करते हैं एक टाइम यह आता है कि सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है ठीक है उत्तरायण होने लगता है तो उसकी किरणें जो है इस तरह से जो है क्या होती है कर्क रेखा पे इस तरह जब उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पे जो है सूर्य की किरणें क्या होती है पहुंचती है क्योंकि जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है और ये क्या है रोटेट कर रही है जिस वजह से एक टाइम ऐसे आता है कि सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पे सीधी पड़ने लगती है ठीक है तो जब ये सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पे सीधी पड़ेगी तो कर्क रेखा पे जितने भी देश होंगे जितने भी राज्य होंगे वहां पे जो है बहुत ज्यादा क्या होगी गर्मी पड़ेगी ठीक है और एक टाइम आता है एक मार्च ये जो उत्तरायण होता है वो मार्च में होता है ठीक है और 21 जून के आसपास 21 जून में जो 21 जून के बाद जो है ये सूर्य की जो किरणें हैं ठीक है थीके? या सूर्य है वो क्या होने लगता है दक्षिणायन होने लगता है तो ये इस तरह से जब नीचे की तरफ दक्षिणायन होने लगता है तो इसकी सूर्य की जो किरणें हैं इसके दक्षिणायन के टाइम पे कहाँ पड़ती है मकर रेखा पे पड़ती है ठीक है और एक टाइम ये आता है कि सूर्य की किरणें सीधी जो है मकर रेखा पे पड़ती है क्योंकि अर्थ क्या हो रहा है पृथ्वी क्या हो रही है घूम रही है ठीक है तो ये क्या होता है मकर रेखा पे जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जिस वजह से मकर रेखा पे जो भी कंट्री होगी वो क्या होगी गर्म होगी ठीक है और सूर्य जबकि यहाँ आ गया है इस तरफ यहाँ इस तरह दक्षिणायन आ गया है तो मकर रेखा पे जब गर्मी पड़ेगी तब ये कर्क रेखा है ठीक है कर्क रेखा पे क्या होगी ठंडी पड़ेगी जब मकर रेखा की तरफ सूर्य आ जाएगा तो मकर रेखा पे गर्मी होगी और कर्क रेखा पे क्या होगी सर सर्दी होगी शीत ऋतु होगी ठीक है और ऐसे ही क्या होगा जब ये उत्तरायण होगा जब इसकी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ेगी तब क्या होगा मकर रेखा पे क्या होगी ठंडी होगी ठीक है और विशुवत रेखा पे याद रखिएगा वर्ष भर जो है हमेशा जो है गर्मी ही पड़ती है ठीक है और जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज्यादा बारिश की स्थिति होती है इसको भी आप ध्यान रखिएगा ठीक है इतनी चीजें आपको समझ आ गई दूसरी एक चीज और ध्यान रखिएगा जब ये जो पृथ्वी है ठीक है पृथ्वी जो है दो तरह से घूमती है ठीक है अब कौन कौन सी तरह से घूमती है इसको समझते हैं ये है सूर्य है ठीक है और और यहाँ पे है आपकी पृथ्वी तो पृथ्वी एक तो रोटेट करके है अपने ही जहां पे है वहीं पे इस तरह से ये घूमती रहती है ठीक है इस तरह से वो अपने ही जगह पे क्या होते रहते हैं घूमती रहती है इसको कहते हैं घूर्णन ठीक है इसको क्या कहते हैं घूर्णन जिस वजह से क्या होता है दिन और रात हम जो होता है ठीक है वो जो है पृथ्वी के अपने ही जगह पे जो है घूमने की वजह से होता है और दूसरी जो गति करती है अपने इस तरह से घूमती रहती है और जो सूर्य है सूर्य के चारों तरफ भी जो है पृथ्वी घूमने लगती है ठीक है? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी इस तरह से घूमती है और पृथ्वी जो इस तरह से घूमती है उसको कहा जाता है रिवोल्यूशन या फिर परिभ्रमण कहा जाता है ठीक है परिभ्रमण और जब पृथ्वी जो है सूर्य के इस तरह से, तरह से चारों तरफ इस ऐसे घूमती है तब जो है मौसम में परिवर्तन होता है जो मौसम बदलते हैं ठीक है थीके? वो जो है पृथ्वी के सूर्य के जब चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है तो जिस वजह से जो है मौसम में बदलाव होता है और दिन रात होता है जब वो अपनी ही जगह पे घूमती है इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई अब जब ये घूमती है जिस वजह से मौसम में बदलाव होता है तो मौसम में जो है बदलाव क्यों होता है कुछ उसके वायुमंडली तत्व होते हैं जैसे कि आपका तापमान ठीक है सूर्य जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी तो पृथ्वी के ऐसे घूमेगी कभी क्या होगा इसके सीधे में जो है सूर्य की किरणें आएगी कभी सीधे, थोड़ी दूर के बाद जो है तापमान में जो है पृथ्वी के कमी आती जाएगी जैसे कि कर्क रेखा अगर सूर्य की अगर इस तरह से घूम रही है ठीक है तो अचानक से सूर्य की जब कर्क रेखा पे आएगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जब सूर्य जो है मकर रेखा पे आएगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा धीरे धीरे क्या होने लगेगा कम होने लगेगा ठीक है और टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होता है तो वहां पे लो प्रेशर बन जाता है का। वायु का वायुदाप क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक है फिर यहाँ पे टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे क्या होती है बारिश होती है ठीक है और बारिश के साथ ही क्या होती है वहां पे आर्द्रता आती है तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है टेम्परेचर के साथ ही क्या होने लगती है बारिश भी होती है ठीक है टेम्परेचर ज्यादा होगा वायु प्रेशर जो है बढ़ जाता है और वहां बारिश होने लगती है ठीक है इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ आ गई होगी अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने छत्तीसगढ़ की जलवायु पे तो यहाँ पे देखिए कर्क रेखा जो है इस तरह से कर्क रेखा बनी हुई है और कर्क रेखा के बीच में ही जब कर्क रेखा इस तरह से है तो कर्क रेखा पे ही जो है क्या है इंडिया है ठीक है तो कर्क रेखा जो है इंडिया से गुजरती है इतना ध्यान है आपको कि इंडिया के जो है सात राज्य से जो आठ राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है तो यहाँ पे जब ये गुजरती है तो बीच में जो है ये छत्तीसगढ़ से भी क्या होती है कर्क रेखा इस तरह से जो है गुजरती है ठीक है कर्क रेखा गुजरती है यहाँ है आपका विश्वत रेखा और यहाँ है जो है आपका मकर रेखा ठीक है तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले याद रखिए जब ये कर्क रेखा से गुजरती है तो मार्च में जब ये उत्तरायण होता है कर्क सूर्य का किरण का उत्तरायण उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पे जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है गर्मी होता है ठीक है तो कर्क रेखा पे जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मार्च के टाइम पे यहाँ पे उत्तरायण होता है तो बहुत ज्यादा जो है मार्च और मार्च से लेकर पंद्रह मई तक जो है यहाँ पे यहाँ जो है आपके जहाँ पे कर्क रेखा है ठीक है क्या है कोरिया सूरजपुर बलरामपुर के पास ठीक है और इसके मतलब ये पूरा आधा एरिया ठीक है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है गर्मी होती है क्यों क्योंकि सूर्य की किरणें इस टाइम मार्च के टाइम पे जो है उत्तरायण की वजह से कर्क रेखा पे ये सीधी पड़ती है ठीक है अब जैसे जैसे ये कर्क रेखा से दक्षिणायन होने लगती है जैसे 21 जून होता है धीरे धीरे आती है ठीक है 21 जून के बाद जो है ये धीरे धीरे जो है नीचे आने लगती है ठीक है तो जैसे जैसे नीचे उस हिसाब है है? आ जो है ऋतु भी क्या होते रहते हैं परिवर्तन होते रहते हैं ठीक है और ध्यान रखिए कि कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के तीन राज्य जिलों से होकर गुजरती है कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर ठीक है यहां पे देखिए एक चीज समझिए मौसम और जलवायु क्या होता है तो मौसम क्या होता है कि एक निश्चित स्थान पे ठीक है एक जगह पे जो है एक दिन में जो है उसमें जो वायुमंडल तत्व के कारण जो बहुत ज्यादा बदलाव हो जाते हैं उस जगह पे ठीक है कहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ है हमारा ये छत्तीसगढ़ है मान लो ठीक है यहाँ पे कर्क रेखा पे है ठीक है अब क्या होता है यहाँ पे जो है इस तरह से सीधी जो है टेम्परेचर जो है यहाँ पे पड़ रहा है ठीक है तो एक टाइम पे क्या होता है एक ही जगह पे क्या होगा कि कुछ ही टाइम पे जो है यहाँ पे क्या होगा वायु वायुमंडली तत्व होते हैं जैसे टेम्परेचर टेम्परेचर की वजह से क्या होता है वायु दाब कम होता है और उसकी वजह से क्या होगा कि बारिश होने लगती है नमी हो जाती है ठीक है तो इसमें जो है क्या हो रहा है चेंजेस आ रहे हैं तो ये कुछ टाइम में ही जो चेंजेस देखने को मिलते हैं किसी निश्चित स्थान पे वो क्या होता है मौसम होता है और ये जब बहुत सालों तक के ये जो रहते हैं ठीक है जलवायु जो बहुत टाइम तक जब रहती है तब ये क्या होती है लंबी अवधि तक में जो परिवर्तन जैसे 35 साल 30 साल देखें सूर्य के जब पृथ्वी इस तरह से घूमती है तो एक साल में ही घूमती है ठीक है तो एक साल में ही जो है हमें वायुमंडलीय तत्व की वजह से जो है यहाँ पे मौसम में जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं जैसे कभी गर्मी कभी सर्दी ठीक है कभी कभी वर्षा ऋतु ठीक है क्यों क्योंकि एक साल इसको लगते अपने अपनी जगह पे घूमने में 24 घंटे लगाती है ठीक है और सूरज के चक्कर लगाने में तीन दिन लगाती है जिस वजह से इसमें मौसम में क्या होता है बदलाव होता है और कभी ये जो है इधर सूर्य से पास रहेगी तो ज्यादा गर्मी हो जाएगी फिर जब ये दूर होने लगता है तो उसमें शीत ऋतु आएगी वर्षा ऋतु आएगी इस तरह से जो है उसमें बदलाव होने लगता है ठीक है तो कुछ टाइम में ही जो है किसी निश्चित स्थान पर जो बदलाव होते हैं वायुमंडली तत्व के कारण वो जो है मौसम कहलाते और जो उस स्थान पे ठीक है लंबी अवधि में मतलब लगभग पैंतीस साल साल जो है उस बदलाव को लग जाते हैं उस जगह की जो है मौसम के बदलाव को तीस से पैंतीस साल जब लंबी अवधि तक में जो परिवर्तन होते हैं तो वो क्या कहलाता है जलवायु कहलाता है ठीक है तो इस चीज को यहाँ पे आपको समझना है तब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे है हिंद महासागर ठीक है तो हिंद महासागर की वजह से जो है मानसून आता है ठीक है ये बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन आप बस यहीं पे स, थोड़ा सा समझ लीजिए तो मानसून जब यहाँ से मानसूनी हवाएं आती है ठीक है तो यहाँ से जो है ये दो भाग में इस तरह से बट जाती है ठीक है क्यों यहाँ पे है आपका भारत तो यहाँ से जो है इस तरह से दो भाग में बट जाती एक शाखा कहाँ जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ और ये क्या लेती है हवा जब आती है तो नमी लेके आती है आर्द्रता लेके आती है जिस वजह से ये क्या करवाती है बारिश करवाती है ठीक है क्योंकि हिंद महासागर में क्या है पानी है तो ये जब यहाँ से जब गर्म हवा इस तरफ आएगी ठीक है तो ये क्या लेती है अपने साथ जो है नमी और आर्द्रता लेके आती है और जहां पे आर्द्रता और नमी होगी वहां से क्या होगी बारिश शुरू हो जाएगी ठीक है तो ये नमी और आर्द्रता लेके आती है तो एक साखा जो है आपके बंगाल की खाड़ी के साइड जाती है और एक जो है कहाँ जाती है आपके अरब सागर की साइड ठीक है तो यहा, यहा, इस साइड भी आपकी बारिश होगी और इधर भी जो है आपकी क्या होगी बारिश होगी और यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है यहाँ से इस तरह जब बंगाल की खाड़ी से आते तो इस तरह से जो है यहाँ की मानसूनी हवाएं जो है छत्तीसगढ़ पे भी जो है प्रभाव डालती है और कुछ हद हाँ तक जो है ये थोड़ा सा दूर है लेकिन कुछ हद हाँ तक जो है छत्तीसगढ़ पे भी जो है अरब सागर का भी जो कि जो मानसून है वो भी जो है छत्तीसगढ़ पे प्रभाव डालता है लेकिन अधिकांश प्रभावी को कौन सा होता है जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है वो छत्तीसगढ़ पे ज्यादा जो है प्रभावी होता है जिस वजह से यहाँ पे वर्षा होती है ठीक है इतना क्लियर है तो मानसून की वजह से ही जो है छत्तीसगढ़ में क्या होती है वर्षा होती है क्लियर चलिए अब आगे देखते हैं देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून ये दक्षिण है और ये पश्चिम यहां से दक्षिण से आ रही है और इधर आएगी तो पश्चिम यहां जाएगी तो पूर्व ठीक है ये क्या है सॉरी ये पूर्व है और ये क्या है आपका पश्चिम है एक मिनट ये क्या है पूर्व और ये है आपका पश्चिम ठीक है तो यहाँ पे जो है आपका अः क्या, होते हा, हा क्या होता है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से जो है छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है ठीक है प्रदेश की जलवायु क्या है मानसूनी जलवायु है क्या है मानसूनी जलवायु है और छत्तीसगढ़ की जलवायु को तीन भाग में हम जो है विभक्त करके देखते हैं ठीक है या तीन ऋतु में हम विभक्त करके देखते हैं तो ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु और शीत ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु फरवरी से पंद्रह जून तक जो है ग्रीष्म ऋतु होता है कहाँ पे छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु जो है सोलह जून से पंद्रह अक्टूबर तक जो है छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु होती है और शीत ऋतु जो है सोलह अक्टूबर से पंद्रह फरवरी तक यहाँ पे जो है शीत ऋतु होती है कहां पे छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है छत्तीसगढ़ में मई का महीना जो है सर्वाधिक गर्म होता है और सबसे गर्म स्थान जो है कौन सा होता है तो चांपा होता है चांपा मतलब जो चांपा जिला है वो सबसे गर्म स्थान है छत्तीसगढ़ में और सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो है तापमान जो है औसत वार्ष, वार्षिक तापमान का मतलब जो है एक वर्ष में जो है तापमान को निकालते हैं एक वर्ष के तापमान का जो औसत निकालते हैं उसी को जो है औसत वार्षिक तापमान कहा जाता है ठीक है तो ये क्या होता है रायगढ़ जिले में जो है सबसे ज्यादा जो है औसत वार्षिक तापमान होता है वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो वर्षा जो है मानसूनी वर्षा होती है औसत वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो एक सौ बीस से एक सौ चालीस सेंटीमीटर तक की वर्षा जो है छत्तीसगढ़ में होती है या इसको हम 1300 से 1300 सौ पच्चीस एम एम तक जो है वर्षा यहाँ पे होती है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर बात करते हैं तो जो वाला जो क्षेत्र है अबुझमा की जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहां जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है और ये जो है अबुझमाड़ वाले को हम जो है छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी कहते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो है काफी वर्षा होती है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला मतलब किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो जसपुर में और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो कवर्धा में जो है सबसे कम वर्षा होती है ठीक है देखिए यहां कम वर्षा इसलिए होती है क्योंकि ये जो है मेकल, आ, मेकल है मैकल मैकल में होता जो वृष्टि छाया उत्पन्न करता है वृष्टि छाया का उत्पन्न करने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इस तरह से पहाड़ बना हुआ है ठीक है इस तरह से पहाड़ बना इस तरफ से जो है हवाएं आ रही है तो जो हवाएं आर्द्रता लेके आती है तो यहाँ पे ऐसे जब ये उठती है तो सारी बारिश जो है ये इसी साइड कर देती है ठीक है जितनी बारिश है वो इस साइड हो जाता है और जब ये इधर पहाड़ के इस साइड जब ये जाती है तो ये जो है शुष्क हो जाती है जिस वजह से ये यह यहाँ पे जो है बारिश नहीं करवा पाती तो ये जो है वृष्टि छाया प्रदेश जो है इसी को कहा जाता है तो कमरधा जो है कमरधा है राजनांदगांव है ठीक है ये कहाँ पे है वृष्टि छाया वाले क्षेत्र पे है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे वर्षा जो है बहुत कम होती है छत्तीसगढ़ में ठीक है वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आ रहा है उससे जो है अधिकांश वर्षा होती है ठीक है अगर क्वेश्चन दिया जाता है किससे कारण जो है अधिकांश वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी की जो मानसून है उस वजह से जो छत्तीसगढ़ में काफी वर्षा होती है शीत ऋतु की बात करते हैं तो सबसे ठंडा महीना जो है कौन सा है दिसंबर है और सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है छत्तीसगढ़ में है वो है मैन पार्ट ठीक है और इसको जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है किसको मैन पार्ट को और यहाँ पे याद रखिएगा नोट करके कि मेकल श्रेणी के निकट न्यूनतम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पे जो है वृष्टि छाया क्या है उत्पन्न हो जाता है ठीक है इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और अगर कोई कमी नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सके तो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग